खाटू वाले श्याम ते शरण में आ, खाटू वाले। सुनो बाबा, श्याम प्रभु रूप तेरो, ओ श्याम प्रभु रूप तेरो, सुन बाबा, तेरे से दिस आखड़ ली। बोलो दीना, पीछे वालों छानी कोनी तेरे से, दीना नाथ मेरी, गाओ गाओ बुलंद आवाज में खुल के, बालक हूँ मैं, कौन कौन है, बालक हूँ मैं तेरो शाह, लगा लेना बाबा, जिसकी आवाज सच्ची हो लगा लेना, पत दिखला दे, हो पत दिखला दे बाबा, काड़ ले अंधेरे आखड़ में चुरा कर बाबा, मुरली रे मुरली, ए थारा भगत खड़ा थारे, ए थारा भगत खड़ा थारे, खाली खाली हाथ बोल कैया, आखड़ ली थे हो साथ साथ मारे माने यो गुमान है, थे हो माने यो गुमान है, इतनी ऊंची हस्ती से मारी पहचान है, इतनी ऊंची हस्ती से मारी, बेरी जमानो मारो काई कर सी, बेरी काई कर सी, दिलदार यार यारी तो नी भाड़ो पड़ेसी, दिलदार पड़ेसी हो, बच करके वायला, बच करके वायला, तू क्या मैं बड़सी हो, बच करके वायला, तू क्या मैं बड़सी, दिलदार यार यारी तो नी भाड़ू पड़ेसी, यारी तो निभाड़ो पड़ेसी, मैं तो दिन रात तेरे आगे पीछे डोला, मैं तो बाबा और थारे जी सो तुझो कोनी दुनिया ने बोला, थारे जी सो तुझो, क्या बात है क्या बात है, इतनी वकालत तेरी कौन कर सी, ओ इतनी कौन कर सी, दिलदार यार तो निभाणो पड़े सी, मुझे
इतना आनंद आता है जब कोई दो प्रेमी कीर्तन में इस भाव से बाबा को भजन सुनाते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये ऐसे भाव है जिसके वजह से ये आज भी 12 घंटा ज्योत के रूप में हमारे साथ कीर्तन में बैठता है। ये जो हमें झेलता है ना बाबा श्याम, हमारी सारी नादानी माफ कर जाता है। ये जो एक तीर 12 घंटे में ऐसा चल जाता है ना भक्तों की आंखों से, कोई एक दो है जिनके वजह से हम सबका कल्याण हो रहा है, ये सच है। कोई एक दो तीन चार 5% प्रेमी है जिनके वजह से ये दिलदार अपनी दिलदारी 100% पे लुटा रहा है। सुनिए सुनिए एक बार मेरी बात सुनिए, आपको अंतरात्मा तक जुड़ाव महसूस होगा। थोड़ी देर सुनिए, भगत बोल रहा है कि बाबा सांवरिया में तो थारा गुण गावा जी, सांवरिया में तो थारा गुण गावा जी, सांवरिया में तो, एक बार उकारो वरो, सांवरिया में तो, ओ कैया काल जो चीर के दिखावा जी, रे कैया सांवरिया में तो थारा गुण गावा जी, सांवरिया में तो थारा गुण, ओ जी ओ मीजा जी मारा सांवरिया, ओ जी ओ मीजा जी मारा सांवरिया, हरी बाबा ओड़ू आवे बेगा आवो जी सांवरा, हरी ओल्यू आवे देखा आओ जी सावेरा, ओ मीजा जी मारा सावेरिया। किसी को आने मत देना। क्या होता है, अब गाते गाते अचानक से ऊं लग जाता है ना तो पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ जरा मिलकर, ओ जी ओ मीजा जी मारा, ओ जी ओ मीजा जी मारा, ओ थारी पापा लू आवे देगा आवो जी सावरा, सावरा
ई दुनिया से न्यारो थारो देव रो, ई दुनिया से न्यारो थारो है कि नहीं। हे रतन सिंहासन बैठ्या हुकुम चलाओ जी सावेरा, हे रतन सिंहासन बैठ्या हुकुम चलाओ जी सावेरा, अरे ओ जीओ मीजा जी मारा, हो जो लोग नए हैं उनको पता नहीं है वो क्या गा रहे हैं। ये वो भजन है जो महाराज को पसंद है। ओ जियो थारी बाबा ओड़ू आवे बेगावो जी सावरा, थाने तो मनावा घड़ा चा आंखों में दिख जाता है कौन गा रहा है, कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है कि कौन गा रहा है। अब ये कौन सा चा हुआ, कौन सा चाव है, थाने तो मनावा घड़ा, अरे थाने तो मनावा घड़े चाविशु, हे रतन सिंहासन बैठ्या हुक्म चलाओ जी, वो थे रतन सिंहासन बैठ्या हुक्म चलावो जी सावरा, भूल्योड़ा भटक्या ने थारो आसरो, अरे भूल्योड़ा भटक्या ने थारो आसरो। हरी जादूगारी आज बजाओ सावेरा, हरी जादू सावेरा, भूलिया थारे भगताने नाए सरे, नैया नाथ पुरानी बार लगाओ सावेरा, ओ मारी पार लगाओ जी, जागरणों ग्यारस की चानन रात को, अरे जागरणों चानन ग्यारस की चानन रात, कोई बारस ने थे खीर चूरमो आओ जी, अरे कोई बारस ने थे खीर सुनो, जुड़ गए करोड़ों, जुड़ गए करोड़ों, भीड़ लगी है अरबों की, और अरबों बात क्या कर रहे हैं, भीड़ लगी है करोड़ों की, सब श्याम प्रेमी हैं, पर बात क्या कर रहे हैं, आज का श्रृंगार कमजोर था ना,
आज इतना मजा नहीं आया ना। सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देने से क्या होगा जब क्वालिटी नहीं है। थोड़ी तो बताइए, जिसको तीन लोक के स्वामी, ये बिटिया किसकी है भाई? परेशान नहीं कर रही है बिटिया? जो होती है, बच्चे कभी परेशान नहीं करते, बच्चे जो भी करते हैं नादानी में करते हैं। आंटी इतने डायरेक्ट नहीं बोलते। नहीं, बच्चे की, बच्चे जो भी करते हैं नादानी में करते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं आता, कभी भी ऐसा नहीं लगता यार। लेकिन बच्चों के जो माँ बाप होते हैं, हम जैसे, हम लोग यदि सर्कल बनाकर बैठ जाए ना बात करने के लिए, तब लगता है यार क्यों बुलाया इतने बिजी आदमी को, क्यों बुलाया ऐसे दातार को। ये दातार हमारे ऐशो आराम, सोने के मुकुट चांदी के दरवाजे देखने नहीं आया है, दिल के दरवाजे देखने आया है जिसके पास है। तो भगत बोल रहे हो, ध्यान दो, थोड़ो थोड़ो पल्लव पढ़ाओ। इतनी आसानी से यदि समझ में आ जाए तो मजा नहीं आता कुछ प्राप्त करके। प्राप्त करने का आनंद तब है जब उसमें थोड़ा सा परिश्रम छिपा हो, थोड़ा सा परिश्रम। हम लोग एक ही बार में शुभम रूपम सबके दिल को भा जाए तो समझ लेना काम कच्चा है, दो नंबर ही है। और यदि टाइम लगे एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार के बाद लोगों के हृदय में राज करे तो समझ लेना सही दिशा से लोगों के हृदय में राज किया। एक बार संभाल ले, संभाल। अब एक बार मेरे साथ गाओ कि बाबा जी म्या पाछे, जी म्या पाछे धारा हाथ धुआं, जी म्या पाछे धारा हाथ। अब बताइए कितने लोग गाए? जितने हैं उसके 10-20%। इसका मतलब नहीं गाए हैं भजन, सुनिए। ज्यादातर हम जैसे गायक डर डर के भजन गाते हैं कि पब्लिक नहीं गाएगी। ज्यादातर मतलब पब्लिक को नहीं समझा आजकल की। तो यार जो नहीं समझते हैं उनको कम से कम 10-15-20 बार समझाओ तो सही, प्रयत्न तो करो। पहले ही हार मान जा रहे हो कि मारा बच्चा को नहीं समझे। तो हम लोग कोई आदम जमाने के हैं क्या? हम लोग भी तो आज के जमाने के लड़के, हम लोग भी वैसे ही कॉलेज गए हैं, वैसे ही स्कूल गए हैं, वही सब इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं। जब हम समझ सकते हैं, और हमारे जैसे बहुत हैं जो समझ सकते हैं, तो और भी है जो समझ सकते हैं। फर्क इतना है, कोई एक बार में समझेगा, कोई 10 बार में समझेगा, लेकिन समझेगा जरूर। ये समझाने वाले की चॉइस है कि वो समझाना चाहता है कि नहीं समझाना। हाथ खोल के बैठ बेटा। अब एक बार मेरे साथ देखो भगत कहां तक पहुंच गया। सिर्फ ये नहीं जिमाया और छोड़ दिया, लेकिन बाबा यहां को नहीं छोड़ा, जिम्या पाछे थारा हाथ धुलाए। और भी कबाल, अरे कोई लो तो बीड़ा मगई पानी चबाओ जी सावेरा, कोई लो तो बीड़ा मगई पानी चबाओ जी सावेरा, ओ जी मारा, ओ जी ओ मीठा जी मारा सावरिया। इन्हें देखकर एक भजन याद आ गया, सुनो। भोला भगत में तो श्याम दरबार का, भोला दरबार का जग सारो भोला ने भुलावे है, जग सारो
भोलाने भुलावे भोला ही तो सांवरिया ने भावे ओ भोला ही तो सांवरिया ने भावे। अच्छा जिनके हाथों में दर्द नहीं है एक बार हाथ उठा कर तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है बोलो बोलो मिला है ये मैं जानता हूँ या हाँ ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। एक बार ऐसी तालियां बजाना जो अभी तक ना बजी हो दोनों हाथ उठाकर बाबा क्यों लाज रखना क्यों डूबेगी
की नैया कहती थी दुनिया डूबेगी नैया पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया नैया को कैसे किनारा मिला गए नैया कैसे किनारा कि मैं या ओ मस्त नजर वाले तेरी याद सताती है ओ मस्त मस्त नजर वाले तेरी ओ हिचकी पे चले हिचकी पे चले हिचकी किसे देख के आती है प्यारे गाओ ओ मस्त नजर वाले तेरी हाँ ओ मस्त नजर वाले तेरी याद प्रेमियों एक भजन याद आया है मेरे साथ आज इस भजन को गाइए देखिए कहाँ पहुंच गए बनवारी जी आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते बोलो आंधी के कैसे अटकी नैया मेरे शाम के रहते कैसे कैसे कैसे, कैसे अटकी मान ही नहीं सकता कि इसके रहते अटक सकती है तो जवाब दो कैसे अटकी भगत खड़ा है दरबार में वो कहता है मैं ये नहीं मान सकता कि तेरे रहते अटकी है मुझे जवाब दो कैसे अटकी भगत खड़ा है कहने लगा क्या ठेका छोड़ दिया तूने पार लगाने का क्या ठेका या तरीका भूल गए पतवार चलाने का या या समय नहीं मिलता है या समय नहीं मिलता है आराम के चलते राजा जा या समय नहीं मिलता है आराम ओ कैसे अटकी नैया मेरे शाम के रहते कैसे मेरे शाम के रहते आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते ओ हो आंधी के सोचो सोचो जिसने लिखा होगा किस स्थिति में होगा वो कह रहा है क्या ठेका छोड़ दिया तूने पार लगाने या तरीका भूल गए पतवार चलाने का या समय नहीं मिलता है आराम के और हम लोग मेरी फैक्ट्री बंद है बाबा उसे खुलवा ले आना या मैं बुलेट पे बैठूंगा तुझे जोर से पीछे बिठाऊंगा फिर फुड़ 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 करके खाटू ले जा ए ताली इसका रीजन एक ही है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इसका यही रीजन है जितने लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए ना उतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई देखिए अभी जो मैं गा रहा हूं उस पे एक व्यक्ति जोर से बजा रहे है तब 10 बजा रहे हैं कि हाँ ये बजाने वाली बात है कभी कभी ख्याल आता है कि यार मैं अब नॉर्मल तो नहीं हूं ना मुझे क्यों पसंद आ रहे हैं ऐसे भजन जब दुनिया को पसंद ही नहीं आ रहे
मुझे क्यों आ रहे हैं, मुझ में क्या खराबी है, मैं क्यों उन जैसा नहीं बन पा रहा हूं। बाद में जब ऐसे एक दो मिलते हैं ना तो पता चलता है मेरे जैसे भी हैं कुछ। अब देखो भगत, बैठ जा बेटा। अब देखो भगत क्या कह रहा है, दरबार हजारों है सरकार हजारों है, दरबार हजारों है हजारों है, तकलीफ में रहते परिवार हजारों है, तकलीफ परिवार, ये काम तुम्हें सौंपा है, ये काम तुम्हें क्यों तेरे नाम के चलते, ये काम कैसे अटकी नैया मेरे श्याम के रहते, कैसे आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते। अब ये भजन इतना तो था ही, जब लास्ट अंतरा बनवारी जी ने गाया, मैं झूठी बात नहीं कर रहा, रोम रोम उस समय कहते ना बहुत पहले सुना था बचपन में, भूल गए थे, आज थोड़े दिनों बाद वो पन्ना फिर से खुलाना, ऐसा मन किया कि काश शंकर अंकल यहाँ पे हो और उनके पैरों में एक बार गिर के उनके चरण दबा दूं। यार उन्होंने ऐसी बात, देखो भगत क्या कह रहा है कि बाबा मैं इतनी देर से कह रहा हूं कैसे अटकी, ये अटकी भी है डूबी नहीं है, अटकी भी है डूबी नहीं है, पर बाबा डूबने वाली है। मैं एक विनती करूं, मैं तुमसे जिद नहीं कर सकता, एक विनती कर रहा हूं, चलो मेरी नैया पार नहीं कर सकते हो तो एक काम कर दो, क्या बनवारी चाहो तो वादे से फिर जाओ, बनवारी लेकिन बाबा डूबे उससे पहले नैया से उतर जाओ, डूबे क्यों नाम पे दाग लगाए, क्यों नाम पे इस नादान के चलते, मेरी डूबेगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी डूब गई और लोग कहने लगे तेरे रहते डूब गई तो बर्दाश्त नहीं होगा। मालिक तेरे दर का अंदाज निराला है, मालिक तेरे दर का भक्तों को पीना पड़ा, यहाँ 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 है पर वो कभी ना डरे जिसे तेरा सहारा। एक बार दोनों हाथ उठा के, अरे श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, ओ श्याम तेरे भक्तों को बोलो बोलो तेरा ही सहारा है। एक मिनट, किसे किसे सहारा है, तानिया बजा कर एक बार है। श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा, ओ श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। पर वो कभी ना डरे वो बाबा, पर वो कभी ना डरे जिसे साथ तुम्हारा है, श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, तू लागे तू लागे बोल तू लागे, तू लागे तू लागे तू लागे तू लागे तू लागे, अरे थे लोग भी बोलो तू लागे, तू लागे तू लागे,
कितनो प्यारो, तू लागे कितनो प्यारो, साची साची बता कुण सिणगारो, साची साची बता कुण सिणगारो, साची साची बता कुण सिणगारो, साची बता कुण सिणगारो, इसके आगे हार जा तन मन अपना वार जा, लाख रोग गहरा समंदर तू आके दामन थाम ले, फिर किनारा छाम देगा, जिंदगी भर काम देगा, भटके क्यों किसको किसको भटके क्यों दर बदर, कर भरोसा शाम पर, ओ श्यामा थारी चौखट पे, श्यामा थारी किसको किसको भरोसा है, प्यार तुम्हारा है, ये
सर झुकाए हुए बस चले आइए सावेरे। इधर है बड़ा नामवर सर झुकाए हुए और पड़ गई कर नजर जाइएगा सवर सर झुकाए हुए बस चले आइए और आइए हार कर जाइए जीत कर सर झुकाए हुए बस चले संकट हमारा कैसे टलेगा संकट तुम ना सुनोगे तो कौन साथी हमारा कौन बने गिरते को क्या गिराना शाम इतना बताओ गिरते को क्या गिराना मजा तो तब आएगा आके उसको उठाओ मजा तो तब आएगा आके उसको उठाओ बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा बिगड़े हुए क्या बिगड़ेगा तुम ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी दे भई नंदलाल तेरी राह टके ब्रिज बाला बड़ी नंदलाला तेरी बाल बाल एक एक से पूछे बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई बड़ी देर भई नंदलाला एहे मेरी ना मेरी बात बन रही है मेरी बात बन गई है तेरी बात करते वो तेरी बात करते करते मेरी बात बन रही है मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते मेरी बात करते करते और मुझे शाम मिल गया है मुझे भजनों को गाते गाते भजनों को ओ, 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 ओ
अंधेरा घना था ना दिखती थी राहें, अंधेरा घना था ना दिखती थी राहें, तूने संभाला मुझको फैला के बाहें, तूने संभाला फैला के बाहें। बताओ, लोग कहते हैं जिस पर बीतती है वो, जिस पर बीतती है वो, मैं कहता हूं जिस पर कृपा होती है वो ही बखानता है। अंधेरा घना था ना दिखती तिराहे, तूने संभाला मुझको पहला के बाही, और नैनों को निर्मल कैसे उजाला मिला है, नैनों को निर्मल कैसे उजाला मिला है, ये मैं जानता हूँ या इस धुन पे कुछ नया सुनाऊं? जोर से बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। आवो बताए सुनना, बड़ी स्पेशल लाइन है, एक स्पेशल व्यक्ति है जो कभी ज्यादा किसी की नजरों में नहीं आता, पर आपको उनके गाए हुए भजन सुनाऊंगा तो आप उनके लिए तानियां जरूर बजा दोगे। दीदी, दीदी किसी को ढूंढ रहे हैं, कहीं जाना है? नहीं नहीं मैं रोकने वाला नहीं हूं, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब जबरदस्ती बैठो भाई जी, एक भजन सुन के जाओ है, जबरदस्ती। जो नाचने को उत्सुक है उसे नचाते नहीं है, जो नहीं नाचने वाले भाई जी ने नचाओ, भाई जी भिकाराम का मालिक है भाई जी आने नचाओ। सुनो छोड़ो, ये जो मैं लाइन गा रहा हूं एक स्पेशल व्यक्ति ने भेजी है, सुनो क्या कहा है। आवो बताए अहमियत तुम्हारी, आओ बताए अहमियत तुम्हारी, इतना समझ लो तुम हो जान हमारी। आओ बैठ जाओ, एक बार फिर होनी चाहिए कि नहीं ये लाइन? आओ हमारे सूरज भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं भाई, जोरदार मतलब जोरदार तालियां। आज ये हमारा भी सौभाग्य है कि कलकत्ते के हमारे दो बड़े प्रिय, हमारे बड़े भैया, एक अरविंद जी सहल जो पहले गाकर गए हैं, एक सूरज जी शर्मा जो अब दरबार में हाजिरी लगाएंगे। आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा, सब सुनना, सब प्रेम से भजन करना है इनके साथ मिलकर। लेकिन उससे पहले थोड़ा समय एक बार मेरे साथ गाओ। सुनो अभी अभी छोड़ दो सब कुछ, जितना गा रहा हूं उस आनंद ले लो उसमें। आओ बताए अहमियत तुम्हारी, आओ बताए तुम्हारी, इतना समझ लो तुम हो हमारी। भगत ने क्या कहा, तेरे लिए मैं शायद कुछ भी नहीं हूं, तेरे लिए मैं शायद कुछ भी नहीं हूं। तैयार रहना तालियां बजाने के लिए। तेरे लिए मैं
शायद कुछ भी नहीं हूँ, मगर मेरी सारी दुनिया तुम ही हो, मगर मेरी सारी दुनिया तुम ही हो। ये भजन पता है किसने लिखा है? मैं एक लाइन गाता हूं, आप सुनो उन्होंने क्या लिखा है। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग, कितने परीक्षा भाग में मेरे। कहां से आए हैं यार ये, कौन है? एक बार तालियां बजाओ यार ऐसे। कहते हैं ना, शुरुआत किए थे, झूठी बात नहीं करता हूं, शुरुआत किए थे मनीष भैया, ऐसा लगा था आज खाली नाचा कूदी हो जाएगी, ये हम लोग ढपली झांझ उंझ बजा देंगे, लेकिन अगर इंसान का मूड उस तरफ करने के लिए एक दो चेहरे काफी होते हैं, तो इस तरफ करने के लिए भी एक दो चेहरे काफी हो। कितनी परीक्षा लिख दे है बाबा तूने भाग में, अफसोस है डूब रही है नैया तेरे, हंसने लगा है संसार, ओ थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे। मैंने क्या बताया, वो स्पेशल व्यक्ति के मैं भजन गा रहा हूं, उन्होंने क्या क्या लिखे हैं उनका परिचय दे रहा हूं मैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार, हेलो, ये कमर्शियल वर्ल्ड है, यहां हम उतना ही जानते हैं जितना दिखता है, सच्चाई कुछ और होती है। ये भजन राज परिक ने नहीं लिखा है, गाया है, जिसने लिखा है उसके व्यक्तित्व का परिचय मैं दे रहा हूं। उन्होंने लिखा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार, उन्होंने लिखा चुपचाप बैठे सरकार थोड़ा वक्त निकालो मेरे, और अभी जो मैंने गाया आप मेरे मुख से सुन रहे हो, उसका मतलब ये नहीं मैंने लिखा है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, स्पेशल व्यक्ति ने भेजा है कि आओ बताए अहमियत तुम्हारी, इतना समझ लो तुम हो जान हमारी। और बताऊं, पीले जरा। हाय हाय, पहले लोग इसको, अरे पहले लोग इसको, अरे पहले लोग इसको शौक से है पीते, और बाद में तो सारे इसको पी करके जीते। ऐसी मस्ती मिले ना दोबारा, पी ले जरा जी ले हमारे। अब नाम जानने को उत्सुकता बढ़ी, मैं बताता हूं, इनका नाम पंकज अग्रवाल जी है, जो कि बड़ौदा निवासी हैं, बाबा श्याम और बालाजी महाराज के अनन्य सेवक हैं। आपकी तालियां
मुझे तृप्ति देगी। एक बार बजाओ जरा। सूरज भैया दरबार में बैठे हैं, हाँ। और समय ज्यादा लूं ये शोभा नहीं देता। एक व्यक्ति का और परिचय देना चाहता हूं, दे दूं? जोर से बोलो ना यार। आप जानो तो सही किस किस ने क्या क्या कर रखा है श्याम दरबार में, ऐसी ऐसी हस्तियों ने क्या क्या कर रखा है। सुनो, एक बार जी कर दीजिए जी। श्याम ने सुना दे तेरे मन की बात, श्याम ने सुना दे तेरे मन की बात, देर भले है अंधेर नहीं। खबर से किले वे यो सदा तजाता, श्याम ने सुना दे तेरे मन की बात। एक बार पता चले कितने हाथों में शक्ति बची है। जब तक कुछ आभास न हो समझो कुछ भी मिला नहीं, जब तक कुछ आभास न हो समझो कुछ भी मिला नहीं। सेवा में है कमी कोई इसको किसी से गिला नहीं, सेवा में है कमी कोई इसको किसी से गिला नहीं। अनदेखी कान्हा करता नहीं है, अनदेखी कान्हा करता। सांवरे को प्रेमी दुखी ना सुहाता, श्याम ने सुना दे तेरे मन की बात। ये भजन किस किस ने सुना है? सबने सुना है। पता है किसका लिखा हुआ है? गाया है। एक और सुनाता हूं, वो भी सुना होगा। मेले का भजन बहुत सुना होगा, ऐसा मेले का भजन नहीं सुना होगा। हो जाओ तैयार खटू जाने के लिए, शीश दानी श्याम का दर्शन पाने के लिए, हो शीश के दानी श्याम। दीदी सोचो मेले को किस रूप में देखा। किसी ने पूछा क्यों जाएं हम, ऐसा क्या होने वाला। किसी ने पूछा क्यों जाए हम, ऐसा हमने कहा लगता है मेला बड़ा मजा आने वाला। हमने कहा लगता है मेला, क्यों करते इनकार, ओ क्यों करते इनका दर्शन पाने के लिए, शीश के दानी श्याम। सच्चा साथी एक यही है बाकी भूल भुलैया है, सच्चा साथी बाकी भवसागर का केवल केवट मेरा श्याम कन्हैया। क्यों करते इनकार भवतर जाने के लिए, शीश की दानी श्याम का दर्शन पाने के लिए। साचो थारो बाबा लाज रखना, बाबा
किसने बताइए, कोई कोई नाम बता सकता है? ये सूरज भैया तो बता ही सकते हैं, हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी के परम मित्र, कलकत्ता श्री श्याम मित्र मंडल के एक स्तंभ श्री सजन जी सिंघानिया द्वारा रचित ये भजन है। हे दीन बंधु, इस भजन की एक लाइन सुनिएगा मनीष भैया, सच बोलता हूं, लॉकडाउन में बड़ा समय था दीदी, बड़ा समय था लॉकडाउन में हम लोग सबके पास, हम घर पे बैठे थे, रूम में नया टीवी लगाया, बोर हो रहे थे, सुनिए भजन चलाते थे, हमने सोचा यार एक दिन एक आदमी के चरित्र को सुनेंगे, सिर्फ एक ही व्यक्ति के भजन सुनेंगे, ताकि पता चले कि जॉनर क्या है किसी का। भैया भैया बस दो तीन मिनट झेल लो यार। तो एक दिन सजन जी सिंघानिया के भजन सुनने लग गए। सुनो ये भजन आया, पहली लाइन सुनी ना जब अंतरा की, ऐसा लगा कि यार जैसे कि एक जज किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो कलम तोड़ देता है ना, वैसे ही ऐसे लिखने वालों के लिए तो कलम टूटी गई होगी। ये माना कि गलती हमसे हुई है, भुलाया है तुमको, ये माना ये गाओ गाओ हमसे भुलाया है तुमको, अपने पराये का भेद न जाना, माफ करो हमको, अपने पराये का भेद न जाना, माफ करो हमको, लेकिन आखिर तो हमने याद किया है तुमको मुरारी, तो याद किया है तुमको मुरारी। ये तालियां सजन ताऊ जी के लिए। और अब थोड़ी सी एक और परिचय दे देता हूं आपको, थोड़ा सा जो बड़े छोटे से अज्ञानी हैं, दो भाई हैं, वो लोग गाते हैं, और उन लोगों पर भी बाबा ने थोड़ी कृपा की है, और उन्होंने भी कहा है क्या उसको सजाओगे जो सबको सजाता है, क्या उसको खिलाओगे बस भाविक सागर में मेरा श्याम डूब जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ, फिर से गा रहा, खुश किस्मती है मेरी, खुश मैं इनको रिझा रहा हूँ, पी हरियो सो लागे हटू धाम रे बाद्यो माने, पी हरिये माने पी हरियो सो लागे रे बाद्यो माने, पी हरिये अय्या आँख ना दिखाओ थाने पाप लागे,
थारे सेठ जीरो सेठ मारो बाप घुंघटियो आडे थाने दे नशा घुंघटियो आडे तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी तालियां जो बजा ऐसे अच्छा अरे बीते गए जुग दास पुराने ये सब जो भजन गाया इसका पता है किस कौन है ये पहला सही पता है। अच्छा अब चलते चलते इनकी फरमाइश पूरी करता हूँ भैया सुनिए ऐसा है मैं इसलिए नाचने वाले धमाल नहीं गा रहा हूं अभी कीर्तन होगा कपिल भैया आज आज मेरी विनती अगर मैं अंतिम होता अगर अब इसके बाद आरती होने वाली होती तो बात है माहौल खराब हो जाएगा प्लीज समझिए बात को मैं गा दे रहा हूँ लेकिन नाच खड़े होकर नाचने वाला मेरी बात समझो मेरा कोई बैर नहीं है आप लोग नाचो तो मेरे क्या जाता है लेकिन मेरे जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ अरे बीत गए जुग दास पुराने अरे बीत गए जुग दास पुराने दादा की गोदी में खेले हैं हम श्याम बिहारी के चले हैं श्याम बिहारी के चले श्याम बिहारी अरे बीत गए जुग दास पुराने बीत गए जुग दास पुराने दादा की गोदी में खेले हैं हम श्याम बिहारी के चले हैं श्याम बिहारी के छेले होए होए हम श्याम बिहारी के छेले हैं।